मैं ये कह रहा हूँ कि नफरत कहाँ से फैलती है मुझे खुद समझ नहीं आ रही है। कभी भी आज तक मैंने किसी एक भी पाकिस्तानी के मुंह से किसी इंडियन बंदे के लिए कुछ ऐसा गलत नहीं सुना। जब भी मैं बोलता हूँ इंडिया से हूँ तो लोग गले से मिलते हैं। कितने हो गए इनके? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ना ना, ओके थैंक यू, बहुत अच्छे है भाई। आपसे मैंने पूछा कि थोड़ी सी वीडियो बना लो। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे प्यारे भाई आए हैं, इन्होंने हमारी शॉप पे विजिट किया। कहाँ से भाई आए हैं आपको पता है? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से आए हैं? इंडिया से आए हैं। इंडिया से आए हैं, हाँ। माशाल्लाह, केड़ा इलाका? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर। आपकी स्माइल क्यों उतर गई है? देसी मुर्गी कैसे है किलो? थोड़ा शौक हो गए हो। दोस्तों, आज हम देखेंगे इस्लामाबाद की नाइट लाइफ। इस्लामाबाद काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न शहर है पाकिस्तान का, और काफ़ी सुना है कि बहुत खूबसूरत कैपिटल्स में आता है दुनिया के। तो यहाँ पर हम गफ़ार मुसाफिर का ही एक वीडियो लेकर आए हैं। गफ़ार मुसाफिर को आप नहीं जानते तो मैं बता दूँ, ये इंडिया से पाकिस्तान आए हुए हैं अभी घूमने के लिए, और वहाँ पर इनका हमने व्लॉग देखा था जो इन्होंने गुजरावाला में बनाया था, जिसपे इनको बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली थी पाकिस्तान से। ये इंडिया से है, जम्मू कश्मीर से, लेकिन अब वो पाकिस्तान में पाकिस्तान एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अभी इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, तो वहाँ पर ये नाइट लाइफ दिखा रहे हैं इस्लामाबाद की। तो हम भी देख लेते हैं भाई, एक इंडियन जब वहाँ के इस्लामाबाद के लोगों से इंटरेक्ट करेगा तो क्या उन लोगों का रिस्पॉन्स होगा। तो वही सब जानेंगे आज के वीडियो में। आप लोग एंड तक बने रहना, मज़ा आने वाला है। अभी एक मज़े की बात मैं बताता हूँ आपको, मेरी जो मदर टंग है ना वो पहाड़ी है, पहाड़ी। मैंने यहाँ लोगों को पहाड़ी बोलते हुए देखा भी और पहाड़ी बोलते हुए सुना भी, मुझे बहुत अच्छा लगा यार पहाड़ी बोलते यहाँ पे। करवा दे 6 गोलगप्पे लगे, गप्पों की प्लेट 120 के 6 बहुत महंगे हैं यार। आपका नाम क्या है? गुलाम सरवर। गुलाम सरवर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, करम। जिंदगी कैसी चल रही है? बहुत मजे में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मजे में है। ओके जी, अपने यहाँ तो 10 के 6 मिल जाते हैं। हाल चाल पूछ रहे हैं, अच्छी जगह से भी लो तो 20 या 30 के 6 मिल जाते हैं। हम खुद इंडिया से है। इंडिया से आए हो? जिला रोहतक है। कौन से? हरियाणा से। सोनीपत है हमारा, पंजाब से। ओ भाई साहब, ये खुद भी इंडिया से है। ओके, सोनीपत तो अभी हरियाणा में हो गए? नहीं ये पता नहीं, हम बाहर इंडिया से आए हुए माजिर है। अरे मतलब ओके, दाद के वगैरह सब इंडिया का सारे उधर, फिर तो आप तो हमारे भाई हुए यार। नहीं, अल्लाह आपको खुश रखे, आप भी भाई हैं हमारे, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, ये बात नहीं है। हम खुद माजिर हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? उर्दू स्पीकिंग। उर्दू बोलते हो? पहाड़ी बोलते हो? नहीं नहीं, पहाड़ी नहीं बोलते आपको। वो आती है हरियाणवी आती है? नहीं नहीं नहीं, उर्दू स्पीकिंग है। मेवाती? नहीं, उर्दू। सिर्फ उर्दू बोलते हैं। उर्दू की हमारे पाकिस्तान में बहुत वैल्यू है। ये पहले पढ़े पाकिस्तान में, इनके पापा वगैरह आए होंगे, जितना भी है ना सारा उर्दू बोला जाता है। दही पूरी लगाइए, जबरदस्त है, मीठी चटनी। काम सही से चल रहा है? बहुत रहमत करम है अल्हम्दुलिल्लाह। शहद डाल रहे इसमें? ये इमली आलू बुखारे की चटनी। इमली की चटनी, ये चटनी डाल रहे हैं वाली जी? ये तो शहद लग रहा था। ये दही आ गया, और अब क्या आएगा? आपको तो फिर इंडिया से मोहब्बत होगी? नहीं जी, देखिए हमारे बड़े भी वहीं गए थे। हाँ, फेटा हुआ दही, नॉर्मल दही ऐसा होगा, उनकी नस्ल आई है वो पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। यही खाएंगे, एक काफ़ी है, एक काफ़ी है। शुरू कर दें, तब तक ये वो हो जाएगा। मैं बहुत हाइजीनिक फूड खाता था जब तक घर में था, नमक मिर्ची बहुत कम खाता था। जब से घर से बाहर निकला हुआ हूँ बहुत चीज़ें ये खाता हूँ। बिरयानी तो पहले बिरयानी बिल्कुल भी नहीं खाता था, आजकल इतना टेस्ट आ गया बिरयानी का मुझे कि बिरयानी छूटती नहीं है मुझे। जिंदगी का मज़ा तो खट्टे में है। और राजा बाजार के कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाए आपके लिए? नहीं भाई, बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आज पटना गया था 2013 में ना, तो वहाँ पर ना हमारे हम लोग बड़ों में बैठे हुए हैं ना, तो वहाँ पर ना मदीनतुल मुनव्वरा में हमें सारे हिंदुस्तान भाई मिले, उनमें हमारे दादा की उम्र हो गए थे सारे। अब वो मुझे पकड़ के होटल में ले गए, अरे बेटे हम भी सुनपत से हैं। अच्छा, हम भी सुनपत से हो। जैसे एक ज़िला होता है ना, एक ज़िला होता है उसकी तहसील होती है, तो इस तरह ज़िला रोहतक था, तहसील सुनपत की। और हमारे जो बड़े थे वो ये कहते थे, इमाम नासिरुद्दीन साहब जो है ना
ठुंगा मज़ार मुबारक है इमाम नासिरुद्दीन, वो सुनपत में थे। मैं ये कह रहा हूँ ये नफ़रत कहाँ से फैलती है मुझे खुद समझ नहीं आ रही है। कभी भी आज तक मैंने किसी एक भी पाकिस्तानी के मुँह से किसी इंडियन बंदे के लिए कुछ ऐसा गलत नहीं सुना। जब भी मैं बोलता हूँ इंडिया से हूँ तो लोग गले से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, खाना के लिए पूछते हैं, कोल्ड ड्रिंक देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। नफरत सियासत से फैलती है, ये जो भी मामला आते हैं ये हमारी हुकूमत जाने वो जाने हमें उसमें कोई वो नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमने अपनी मजदूरी करनी है, अपनी रोजी करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है। चलो भाई अल्लाह सलामत रखे आपको। तो क्या हो गए इनके? सही बात बोली इन्होंने। नहीं 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 ऐसा नहीं, ये जायज ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये जायज नहीं है। दे दे भाई। नहीं नहीं ये फिर ना तुमने फिर ये नहीं बोलना था, हमें इंडिया से था नहीं बोलना था, मजाक किया था मैंने। वो छोड़ो यार भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। नहीं 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 देने भाई, जिंदगी है ना यार, मजदूरी है। नहीं भाई नहीं नहीं, मेरा अपना कारोबार है, मेरा कोई साथ थोड़ी देना है, हमारा अपना काम है, छोटा सा काम। नहीं 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 इसको छोड़ो, डीजल वो था करता है। आपका नाम क्या है शॉप का? मेरा नाम गुलाम सरवर है, यहाँ पर सब लोग पहलवान के नाम से जानते हैं। ठीक है तो भाई साहब राजा बाजार में पहलवान भाई के पास आके जरूर बोले खाना खाएं, यहाँ पे गोलगप्पे पानी पूरी खाएं और जरूर प्लीज आप लोग मोहब्बत मिलेगी। आप नहीं बोलना भी, जब भी जाओ इंडिया से बोलना भाई ने पैगाम दिया था। चलो आप मेहमान है, आप हमारे मेहमान है, अल्लाह रसूल के मेहमान है, मुसाफिर है, दुआएं कबूल होती हैं। ज़बरदस्त, अगर आप एनिमल लवर हैं, बर्ड्स लवर हैं तो यहाँ से आप लोगों को ये पिजन्स कबूतर वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ये रैबिट्स, आपको पसंद है रैबिट्स? अभी हम पहुँचे हैं जी मामा, क्या नाम है आपकी शॉप का? मामा बर्ड शॉप। इन्होंने भी देखे आप बहुत सारे एनिमल्स रखे हुए हैं, मामा बर्ड्स, ज़बरदस्त किस्म के एनिमल्स बर्ड्स भी हैं यहाँ पे। और एक एक जो जोड़ा होता है यहाँ पे बहुत कीमत रखता है यहाँ। ये कैसे है एक जोड़ा? ये 2500 रुपये है भाई, 2500 का। और ये कैट वगैरह? ये 15000 है। 15000 की ये कैट जी। ओके, आपके पास ज्यादा कैट की क्या बहुत वैल्यू है, क्यूट कितनी है वो ये तो। ये डफ बिक जाते हैं। ये क्या है? ये डफ है। डफ है ये कैसे है जोड़ा? ये 1200 का जोड़ा है। ओके तो ये स्पैरो भी देते हैं? फ्रेंच है जी। ये 800 रुपया जोड़ा है, ये 1200 रुपया जोड़ा है। ओके, जंगली क्रॉसिंग वाला खरगोश है, 5000 का। जंगली खरगोश है ये? कितने का? ये 5000 का जोड़ा है। 5000 का जोड़ा? 5000 का। देसी मुर्गी कैसे है? बिल्ली कितनी महंगी है, खरगोश कितने सस्ते हैं? 6000 का जोड़ा है ये। इसको वजन करके देते हो ऐसे ही देते हो? अखरोट की मैं रेट देख रहा था भाई, कैसे है किलो ये? ओके, अखरोट के रेट 600 और 500 रुपए किलो है यहाँ पे। 600 बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, बहुत ज्यादा ही सस्ता है भाई। ये पर्शियन कैट मेल है, ये 15000 के पर्शियन। इसके बाद ये रशियन है, ये बस लग भी रहे रशियन। ये कितने की है? रशिया 6000 के। और ये वाले 6000 की मम्मी। क्या नाम है आपकी शॉप का? ओके तो मलिक भाई से आप ये ले सकते हैं, अगर आपको ये जर्मन शेफर्ड्स वगैरह ये सब डॉग्स वगैरह पसंद है तो आप लोग आके यहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू भैया। ये पूरा पेट्स वालों का एरिया है। मार्केट एक्सप्लोर करी और दिन को भी तो बहुत एक्सप्लोर किया, अभी भूख लग रही है। बिरयानी एक प्लेट कितने की थी सर? 150 की। ओके सेम प्राइस। और कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल थी हमारे सामने 60 रुपए की। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये कोका कोला की बॉटल 60 रुपए की। आपने अभी इसकी होती सही है। कैसे हैं आप ये बताएं ना भाई, ये बैग्स के रेट क्या हैं आपके पास? ये 700, 800, 500, 700, 800, 500। ज़्यादा महंगे नहीं है भाई, 700, 800, 500 की रेंज में। अस्सलाम वालेकुम। सस्ता ही है यहाँ पे। इस साइड आपको पूरी की पूरी कालीन से मिलेंगे। और अस्सलाम वालेकुम। ये कालीन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं भाई। ठीक है आप? क्या रेट है ये कालीन का यहाँ पे? सर मुख्तलिफ वैरायटीज में होते हैं, फिर मुख्तलिफ क्वालिटीज होते हैं। हाई क्वालिटी में सबसे अच्छी क्वालिटी में कैसा है? फिर साइज कितना हो जाए मीटर के हिसाब से? इधर मीटर से पर पीसेस होते हैं, जैसे भी देते हैं सर आप बता दीजिए। ये बता दे आप भाई को पहले सेंटर पीस या कारपेट?
मैं बस ये आपका विजिट करना चाह रहा हूँ। देख लो मुख्तलिफ ये सारा क्वालिटी है, ये जो है ना ये पूरे मस्जिद वाले कालीन है ना, 45 रुपए फुट स्क्वायर मुरब्बा फुट। ओके ये वाले, ओके ये 45 रुपए फुट है भाई, 38 रुपए फुट है, ये सारा कलर है। ओके ये 38 रुपए स्क्वायर फुट है, फिर ये 85 रुपए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी में। ओके ये 85, इस्लामाबाद में ये चीज़ ज़्यादा चलती होगी क्योंकि बहुत ठंडा एरिया है ना। ओके ये 38 रुपए फुट है, बहुत अच्छा कारपेट है, वाशेबल बहुत सस्ता है मेरे ख्याल से। ये आप कहाँ, ये कहाँ से बन के आता है अपने आगे? तो 10-15 पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से ही बनता है ये अपने आगे, तो 10 रुपये हुए ना ये, बोल रहा हूँ। अच्छा वाशेबल क्वालिटी है, बहुत मजबूत क्वालिटी है, और रेट भी ज़बरदस्त है। ये आपको मिलेगा जो ये 55 रुपये फुट, 55 रुपये फुट, हाँ 55 रुपये फुट। अच्छा तो भाई ये कारपेट्स वगैरह और कालीन वगैरह दिखाई मैंने, मुझे लगता है ठंडे इलाकों में जो कालीन वगैरह ज़्यादा बिकते होंगे, यूज में ज़्यादा आते होंगे क्योंकि ज़मीन बहुत ठंडी होती है, तो मेकिंग भी वही होती होगी उसकी मैन्युफैक्चरिंग। अपने मूवीज़ में भी देखा है जो कश्मीर में रहते हैं घर, उनमें कितने बड़े बड़े कालीन बिछे होते हैं। कितने का ग्लास पता नहीं है लेकिन दर्जन हिसाब हम ले रहे हैं। मैं जूस बोल रहा हूँ, जूस नहीं बनाते हैं इसका? हम नहीं बनाते भाई, दुकानदार बनाते हैं। अच्छा चलो सर कोई बात नहीं, शुक्रिया। तो ये है जनाब, तो दिख नहीं रहा भाई, जाहिर है नहीं बनाते जूस। इस्लामाबाद का रावलपिंडी में भी लगता है? अच्छा जी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी लगता है, पास पास है। यू हैव शूज? मैं बता रहा हूं, ओके यू कैन टेल मी अबाउट योर शूज। दिस इज इंग्लिश, नो राइट राइट राइट, आई एम नॉट इंग्लिश, इंडिया से आओ, हाथ मिला दो, खुशी से हाथ मिलाओ यार, इंडिया का नाम ले रहा हो तो खुश होके मिलो। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, हमारा भाई है यार। हाँ बिल्कुल, ये पठान दिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, लैंग्वेज कैसे हो, काम ठीक चला? आज कितने पैसे बने? हाँ 5,000 बन गया ना, बहुत अच्छा है। क्या बात है, 5,000 बन गए, सही है, बिक्री 5,000 तो ही बचत नहीं। हाँ ये पूरा मार्केट है, मतलब इस्लामाबाद का लोकल मार्केट कह सकते हैं इसको। हाँ यूट्यूब गफ्फार मुसाफिर, क्या कह यूट्यूब पे चलेगी। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप? ये हमें खिलाए ना थोड़े से गन्ने, गन्ने से तोड़ तोड़ के पीस करके दे रहे हैं। 200 रुपये किलो, हमें 2 पीस चाहिए बस। ये कितने की होगी? नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे मत करें ना, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। बताएं कुछ स्थानीय शुगर ये क्या चैनल है? अबे तो मिठाई, तू गन्ना समझ रहा है, मिठाई है गन्ना है, गन्ना तो पसंद है मुझे, लेकिन अभी ज्यादा नहीं खाया जाएगा, खाना भी खा लिया है और बहुत सारी चीजें भी खा ली है। थैंक यू भाई जान, थैंक यू। ये चैनल है क्या है? हाँ हाँ चैनल है ना। आपको अच्छा नहीं लगा इंडिया से? क्यों नहीं अच्छा लगा, स्माइल नहीं की इंडिया से, मतलब तो नहीं है कि इंडिया से कोई आदमी आए तो वो सारे गलत। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को जब भी कोई पाकिस्तानी मिले खुश होके उसको गले लगाओ, कोई इंडियन मिले खुश होके उसको गले लगाओ, ऐसे ही पॉजिटिव मैसेज आएगा और हालात सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसे ही है ना। थैंक यू, इस्लाम तो अमन का दर्स है। बिल्कुल, वो नर्वस हो गए थे मेरे ख्याल से, नर्वस हो जाते ना कई लोग कैमरा देख के, कैमरा है ऊपर से बंदा बोल रहा है मैं इंडिया से आया, तो सामने वाला नर्वस हो जाता है। ओ भाई साहब चलते चलते मैंने कहा लास्ट चीज़ कोई बच ना जाए, नहीं बची तो बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने कहा जितनी कवर कर सकते हैं तो करें। अभी हम बिल्कुल गीगा माल के सामने है, ये है सामने गीगा माल, गीगा माल का फाउंटेन आप देख सकते हैं, क्या मज़े का दिख रहा है। बढ़िया गीगा माल का फ्रंट पोर्शन, और ये इस्लामाबाद का बहुत बड़ा मॉल है,
दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे कौन सा आता है? अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिए। पहले नंबर पे तबीब भाई ने बताया कौन सा आता है, सेंट टॉरेंस मॉल। और दूसरे नंबर पे गीगामॉल। फाइनली हम लोग एंटर हो गए यहाँ पे सेंट टॉरेंस मॉल। मैंने सुना है वो दो बिल्डिंग्स हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। बोल लिया भाई, वेलकम टू गीगामॉल। हाँ यस। अस्सलामुअलैकुम, ये हमारे प्यारे भाई आए हैं, इन्होंने हमारी शॉप पे विजिट किया। कहाँ से भाई आए हैं आपको पता है? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से? कहाँ से आए हैं? इंडिया से आए हैं। इंडिया से आए हैं? हाँ। माशाल्लाह, केड़ा इलाका? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर। आपकी स्माइल क्यों उतर गई है? नहीं नहीं, वो माशाल्लाह मैं आपकी घर से बात कर रहा हूँ। मेरे सर इंडिया का मेरा उस्ताद है ना, वो है दिल्ली का। ओके। मैं सऊदी में काम करता रहा हूँ ना, वो मेरे साथ काम करते थे। तो बताएं अपने ज्वेलरी के बारे में। जो है ना, ये सेकंड फ्लोर पे शॉप है, बिलिंग कलेक्शन सुभान भाई की शॉप है। यहाँ पे आपको 50 ऑफ मिलेगा, हर चीज़ पे डिस्काउंट मिलेगा। ये प्यारे भाई हमारे पास इंडिया से आए हैं, बड़े अच्छे भाई हैं, इन्होंने हमारी वीडियो बनाई है। आपका नाम क्या है? शुक्रिया करते हैं सुभान भाई, आप बहुत स्वीट लग रहे हो। जी जी इंशाल्लाह, शुक्रिया। हाँ ये ले ले भाई से आकर। हाँ ठीक है भाई, खाना वाना खा के आए हैं हम। करते बस यही वीडियो बनाते, वीडियो बनाता हूँ, ब्लॉगर हूँ, गफार मुसाफिर चैनल है, टिकटॉक पे भी है, फेसबुक, यूट्यूब। ओके चलो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। टिकटॉक तो बैन है भाई इंडिया में। वैसे उन्होंने बोला हमको नीचे इतना इतनी। हाँ मुझे पता है, किडी लैंड वही है मुझे लग रहा। इस्लामाबाद शाओमी स्टोर ओपनिंग सून। शाओमी स्टोर ओपन होने वाला है। आतिकास यार क्या मस्त इंटीरियर है, ऊपर से कितना सही लग रहा है। लाइट्स है वो, लेकिन ऐसा लग रहा है ऐसे कुछ पानी वगैरह। सोडा लैब इस गाड़ी में बिक रहा है, सोडा सोडा दे रहे हैं साहब। क्या मस्त बना रखा है। ओके थैंक यू, आप बहुत अच्छे है भाई। आपसे मैंने पूछा कि थोड़ी सी वीडियो बना लो, आपने बोला पूरी बना लो। थैंक यू, आई लव यू ब्रदर। हमारा बिल तो नहीं आ रहा ये सही था, सही वाला ये कह रहा था कि इस्लामाबाद जितना हम घूमेंगे तो घूमते रहेंगे, खत्म नहीं होने वाला है। तो एक दिन में या दो दिन में कितना हम घूम सकते हैं? जितना हम घूम सकते थे उतना हम घूम चुके, घूम लिए। अभी हमारा घर में मेरी आप भी वेट कर रही है, गालियाँ भी दे रही है कि वो मुझसे मिलने आए हैं, तो हम यहाँ पे घूम रहे हैं। अभी हमें घर भी जाना होगा, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और इस्लामाबाद को अलविदा कहता हूँ। और दुआ करें कि मैं वापस आप लोगों के पास बहुत जल्दी आऊँ। मुझे इस्लामाबाद बहुत अच्छा लगा, ब्यूटीफुल सिटी है, क्लीन सिटी है, अच्छे लोग हैं, और मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है। आई वुड से कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो अभी बस निकलते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं और निकलते हैं घर की तरफ। आप दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान रखिए। और इम्पोर्टेंट मैसेज, दारू गुटखा और सिगरेट इन सब गंदी आदतों से अपने बच्चों को बचाएं और उनको स्टडी की इम्पोर्टेंस बताएं। थैंक यू, बाय बाय। क्या बात है, वीडियो इधर एंड होता है। बहुत ज़बरदस्त वीडियो था और लोगों का जो रिस्पॉन्स देखने को मिला काफ़ी अच्छा था। काफ़ी लोग नर्वस भी हुए कैमरा देख के, कुछ लोग एक्साइटमेंट भी में भी आ गए, तो अच्छा लगा देख के भाई। पाकिस्तान में देखा मैंने लोग एक जैसे ही, हमने कराची के वीडियोस देखे, लाहौर के देखे, इस्लामाबाद के वैसे अपन ने बहुत कम वीडियो देखे, कम देखे। तो यहाँ पर इस्लामाबाद में भी देख के ही लगा कि लोग यहाँ भी अच्छे ही हैं, वैसे ही है। तो इस्लामाबाद तो और ऊपर से कैपिटल है बेसिकली, है ना, कुछ भी नहीं है लोगों में, बस नफ़रतें है ही नहीं किसी के दिल में यार, किसी के लिए भी कोई नफरतें नहीं है। वो इंडिया का सुन के तो बल्कि खुश हो रहे हैं कि भाई इंडिया से आया है, मतलब पैसे नहीं ले रहे इंडिया का सुन के। तो अगर तुम पाकिस्तान का, अगर वो बंदा क्या बोलते हैं पानीपुरी वाले, अगर तुम ये ना बोलते ना कि मैं इंडिया से आया तो दे मैं तुमसे पैसे लेते ही लेता। हाँ। लेकिन तुमने बोल दिया तो अब तो तुमको नहीं ले नहीं सकता मैं। हाँ। गलत हो जाएगा। मतलब मेहमान के उसमें आ गए ना। हाँ मेहमान में हो गए ना शुमार तुम, अब मेहमान हो गए तो तुमसे पैसा लेना मतलब क्या है यार, मतलब मानना पड़ेगा यार, मेहमान नवाजी तो नेक्स्ट लेवल है भाई। वैसे यहाँ पर इन्होंने नाइट लाइफ दिखाई, इन्होंने एक दिन का वीडियो भी बनाया है, मैंने अभी जस्ट दिख रहा है मुझे थंबनेल एपिसोड 1 इस्लामाबाद का। अगर आप चाहें कि हम उस पर रिएक्शन करें तो हम उस पर भी करेंगे।
बाकी गफ्फार भाई का काम बहुत जबरदस्त लग रहा है, और अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ ये अच्छी लगी कि वो ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि फटफट जल्दी जल्दी दिखा रहे चीज़ों को, आराम से दिखा रहे हैं कि आप उसको बात समझ लो, यहाँ पे ये मार्केट में घूम रहा हूँ। पूरा कन्वर्सेशन भी जो कर रहे हैं ना, वो लोगों से बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब लोगों से थोड़ा सा लोगों को छेड़ भी रहे, जैसे उनको बोल रहे थे कि वो भाई तुम्हारे फेस पे स्माइल नहीं है, मैं इंडिया से आया हूँ। तो वो भी थोड़ा सा, तो यही चीज़ है, कॉम्बिनेशन बहुत सही है यार, वो बहुत सही, मतलब बातें बहुत सही है उनकी, लोगों से करने का तरीका अच्छा है कि लोग खुल जाए उनके साथ, घुल मिल जाए, इंसान घुल जाता है ऐसी बातें करते, थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है। इन्होंने मैसेज भी दिया ना वीडियो में कि भाई आप किसी भी कभी भी इंडिया वालों को भी दिया, पाकिस्तान वालों को भी दिया, कि कभी भी आपको कोई पाकिस्तान का बंदा मिलता है इंडिया में तो आप उससे हंस के मिले, गले मिले, ये करें वो करें। पाकिस्तान में वैसे कोई इंडिया का मिलता है तो उससे भी आप हंस के मिले, ये वो भाई। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को इनका मैसेज भी। बिल्कुल बिल्कुल सही है, और मज़ेदार चीज़ है, यही देखने में मज़ा आता है। इस तरह का कोई और वीडियो अगर आप सजेस्ट करेंगे तो बिल्कुल हम रिएक्शन देंगे। आप बताइए आपको आज का रिएक्शन कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉन्ट।